First of all, subscribe my channel and press bell icon to get notifications. Hi friends, welcome to my YouTube channel. हमेशा की तरह एक और वीडियो, एक और टीवी, एक और फॉल्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ. आज की इस वीडियो में हमारे पास जो टीवी आया है उसका फॉल्ट ट्यूनिंग का है. मतलब जब हम इसकी ऑटो सर्चिंग करते हैं तो उसकी ट्यूनिंग नहीं हो पाती और चैनल्स नहीं आ पाते. और दूसरा इसका फॉल्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसका जो स्नो बननी चाहिए स्नो भी नहीं बन पा रही. मतलब जो सफ़ेद कलर का रास्टर बनता है वो रास्टर भी इसका नहीं बन पा रहा. तो आज की इस वीडियो में हम इस टीवी को रिपेयर करेंगे. सबसे पहले तो हम इस टीवी को खोल लेंगे और इसकी किट को बाहर निकाल लेंगे. किट को हमने बाहर निकाल लिया है. जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक चाइना की किट है और दो आईसी वाली किट है और ज़रा पुराने मॉडल की किट है. शुरू शुरू में जो किटें आई थी दो आईसी वाली, वो वाली ये इसमें किट है. इसका सिस्टम आईसी अलग से लगा हुआ है और जंगल आईसी इसका अलग से लगा हुआ है. तो हम फॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं. जब हम फॉल्ट ट्रेस करेंगे तो तीन चीज़ों को फॉल्टी कंसीडर कर सकते हैं. नंबर एक इस ट्यूनर को, नंबर दो इस जंगल आईसी को, और नंबर थ्री जो है वो हम इस वीसीओ कॉइल को फॉल्टी तसव्वुर कर सकते हैं. अक्सर औकात ऐसा होता है कि ये वीसी कॉइल ख़राब होने की वजह से भी नचरियात नहीं आती, टीवी की चैनल्स वगैरह नहीं आते. ये तीन चीज़ें जो हैं इस फॉल्ट के पेश नज़र जो है वो हम कंसीडर कर सकते हैं कि इन तीनों में से कोई एक चीज़ का फॉल्ट हो सकता है. तो सबसे पहले जो छोटी चीज़ और आसान चीज़ है वो है इसकी वीसी कॉइल. सबसे पहले हम इसकी वीसी कॉइल को चेंज करके देखेंगे और उसके बाद जो है हम अगर इसके बाद भी फॉल्ट हमारा रिपेयर नहीं होता तो दूसरी चीज़ों को चेक करेंगे. और मेरे हिसाब के मुताबिक इसकी वीसी कॉइल का ही फॉल्ट मुझे लग रहा है. ये हमने इसकी वीसी कॉइल पहले वाली जो लगी हुई थी वो निकाल लिया और इसकी जगह पर हम दूसरी वीसी कॉइल लगाते हैं. ये वाली वीसी कॉइल हम लगाएंगे. मैंने पुरानी किट से के वीसी कॉइल निकाली है और उम्मीद है कि ये कॉइल जो है बिल्कुल ओके होगी और काम करेगी. तो हम इसको इस बोर्ड में लगाकर इसके टांके वगैरह अच्छी तरह देखभाल करके अच्छी तरह टांके लगाकर अलग-अलग सेपरेट करके तो उसके बाद हम दोबारा टीवी को चलाकर देखते हैं. और उम्मीद काफ़ी है कि इसी वीसी कॉइल का ही फॉल्ट है और जब हम ट्यूनिंग करेंगे तो इसके चैनल आएंगे. तो हम इसको दोबारा ऑटो सर्चिंग पे लगाते हैं टीवी को और देखते हैं इसका रास्टर बनना शुरू हुआ है पहले नंबर पे या नहीं. तो हम इसका जो है रास्टर बनना शुरू हो गया है, स्नो बननी शुरू हो गई है. तो इसका फॉल्ट जो है काफ़ी हद तक हमारा सॉल्व हो गया. अब हम इसमें केबल लगाते हैं. केबल लगा के इसकी चैनल्स की ट्यूनिंग करके देखते हैं. तो हम इसमें केबल लगाते हैं और ट्यूनिंग हो रही है और ट्यूनिंग में चैनल भी आना शुरू हो चुके हैं. तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें.